Hey guys, this is such a pleasant surprise to be back here and आज मैं vlog शुरू कर रही हूँ और मुझे ये camera lens का जो है वो figure out करने में बहुत time लगता है but then again I'll try my best. So I am back in Cuttack just for a day and we are going to have a lot of fun and we'll share that fun with all you guys and very soon the say of Sega Unfiltered will take over and एंड वी आर ऑल गोइंग आउट फुल फैमिली पापा मम्मी दो बच्चे एंड विल रिकॉर्ड ऑल ऑफ इट विल शेयर ऑल द फन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आई एम बैक इन द स्पेस आफ्टर रियली रियली लॉन्ग टाइम तो शेयर ऑल योर लव फॉर मी एंड या आई एम मैरी नोबडी लव्स यू एवरीवन लव्स मी सो हाय गाइस आई एम बैक एंड अब हम सब नीचे जा रहे हैं वो दोनों मम्मी और दीदी नीचे जाके गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं और मम्मी जा रहे हैं एंड हेलो गाइस आई एब्सोल्युटली लव हर स्वेटर ये चोरी होने वाले तो यहाँ पे वी आर गोइंग ये आई लव कटक है एंड आगे वो मम्मी और दीदी जा रहे हैं और मैं पापा के साथ बैठ के जा रही हूँ दिस सनसेट इज लुकिंग सो प्रिटी आई हैव टू रिकॉर्ड दिस इज सो ब्यूटिफुल बहुत सुंदर लग रहे हैं दिस इज द मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ कटक एंड हाँ ये चलो बहुत ही सही म्यूजियम है हम बहुत जाते थे यहाँ पे पहले होल प्लेस जहाँ पे पूरा पाली यात्रा लगता है और थोड़ा आगे जाके आई थिंक और थोड़ा आगे जाके या सो दिस इज द पाली यात्रा प्लेस एंड अभी आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है एंड वो है महानदी उस तरफ दिस इज द बाली यात्रा गेट ये बहुत ही फेमस होगा ये चीज़ लाइक हर जगह आपने फोटो देखा होगा सो या दिस इज द बाली यात्रा गेट यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगते हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड अब हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ सो दिस इज द प्रिटी सनसेट एंड यहाँ पे मैच चल रहा है एंड दैट इज द कटक बारापाटी स्टेडियम एंड मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ हाँ दैट इज द स्टेडियम अभी हम वहीं जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेडियम के पास का दहीबरा इज वेरी फेमस सो हम वहीं जा रहे हैं खाने के लिए सो मैं पूरा स्टेडियम वाले एरिया में आ गई हूँ दिस इज़ द सत्यव्रत स्टेडियम एंड दिस इज़ दीदी दिस इज़ मम्मी दिस इज़ द बारावाटी स्टेडियम ऑफ कटक एंड हम यहाँ पे आ गए दिस इज़ पापा और हम आ गए दहीबरा खाने के लिए निधि लुक एट माय ईयर का आप डिटेल में फुट का आइटम बुक की और मम्मी स्टेडियम के पास आ गए हो दहीबरा खाने हाँ हाँ स्टेडियम के पास ये रहा स्टेडियम और ये रहा दहीबरा स्टेडियम के ठीक सामने इस वही फेमस है ना हाँ ये कटक बने तो दहीबरा हम चारों मिलके बहुत दिन बाद निकले हैं हाँ तो हाउ इज द दहीबरा प्लीज इट्स गुड ओनली ना इट्स गुड ओनली मम्मी कैसा है बहुत टेस्टी है अच्छा है तो यार ये पीछे से इतना एस्थेटिक लग रहा है सनसेट और ऐसा जो पेड़ है ठीक है वो इतना सही लग रहा है मतलब मजे आ गए बिल्कुल वी आर वेटिंग फॉर दही पानी बिकॉज दही पानी इज लव दही पानी इज सुप्रीमेसी वो करके खत्म करके देंगे पीछे तुम्हारी गौ माता है जो तुम्हें कभी भी सींग मार सकती है भाई ये सबको यहाँ पे सबको परेशान करे एवरी डे इसका यस गाइस ट्रस्ट मी दिस पर्टिकुलर गाय इफ यू हैव एवर बीन हियर आई थिंक आप सबको पता होगा ये सबको सींग मारती है और डायरेक्ट हाथ से पत्ते चुरा के खाती है तो नमक डालती ना A few moments later. So we are near SB Women's College and she is having gucchup. कितने दिन के बाद खा रहे हो कटक का गुपचुप दो महीने के बाद सही इट इज गुड राइट सो आई वॉज वेरी फुल दही बड़ा खाने की वजह से दो महीने जस्ट हाफ का भी हाफ खाया है बट स्टिल आई वॉज वेरी फुल बट शी वॉन्टेड टू ईट तो शी इज ईटिंग मैं एक दो ले लूंगी एंड मम्मी पापा घर चले गए हैं पर उनका काम खत्म है ना
अब हम लोग अपना काम करिए, करके देखे कैसे क्या है। लेफ्ट हैंड से खा रहा हूँ मैं, मतलब तो एस बी के सामने था ब्रांड फैक्ट्री एंड फिर मेरा देख के मन हो गया कि चलो कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ कुछ सही लगेगा तो आई गेट समथिंग। तो अभी हम जा रहे हैं। One eternity later. So guys, हम आ गए हैं एंड मैंने एक ही कपड़ा लिया है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैवेंडर कलर का स्वेट शर्ट, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। सो हाई गाइज, वी आर बैक होम एंड दीदी को और भी एक दो जगह काम था तो हम लोग बाकी सब कुछ काम करके आए एंड आई वॉन्ट टू शो यू द स्वेट शर्ट दैट आई गॉट। सो दिस इज द स्वेट शर्ट, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैवेंडर कलर एंड मेरे पास लैवेंडर कलर का कुछ भी नहीं था तो मेरा बहुत मन था तो मैंने ये वाला लिया एंड दिस इज फ्रॉम टोक्यो टॉकीज। मैंने ये एक ही लिया बिकॉज ये मुझे काफ़ी पसंद आया एंड दिस वॉज आर मिनी ब्लॉग। आई नो कि बहुत छोटा सा ब्लॉग था बट ट्रस्ट मी, वी हैड अ रियली नाइस टाइम एंड बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद आज हम चारों एक साथ गए थे एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एंड कटक का दही बड़ा जो हमने खाया एंड ये सारे प्लेसेस आपको सब देख के कैसा लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियोज। टिल देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन।